आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्किल पे मैं आज लेकर हाजिर हूँ MMHAPU यानी कि मौलाना मजहरुल हक अरविंद पारसी यूनिवर्सिटी से जो BEd का एग्ज़ाम चल रहा है उसका पेपर 107 का डी जो कि BEd 2020-22 सेशन का है। तो मैं 2022 का सेशन का BEd का जो लास्ट एग्ज़ाम है उसको क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आया हूँ। ये सब्जेक्ट का नाम है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे कैसे जवाब देना है। पहला तो इंस्ट्रक्शन वही है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें और हर एक इकाई से एक एक का चयन करते हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड, डिफाइन एटलीस्ट 2 टीचिंग एड्स विच इज यूज इन फिजिकल साइंस टीचिंग एंड राइट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। इसी का अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए थे कि शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान शिक्षक एवं उपयोग की जाने वाली कम से कम 2 शिक्षण सामग्री परिभाषित कीजिए और लाभ और सेवाओं को लिखिए। यूनिट 1 का ही क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लेबोरेटरी इन फिजिकल साइंस टीचिंग, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, यानी भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की अवधारणा और उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, एक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की विशेषताओं को लिखिए। वैसे ही यूनिट 2 के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान फॉर अ फिजिकल साइंस टीचर, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रिपेयर लेसन प्लान ब्रीफली, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षा के लिए पाठ योजना का क्या महत्व है और इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसके अलग अलग स्टेप्स को शॉर्ट में लिखना था, संक्षेप में लिखना था। फिर हम बात करें यूनिट 2 का ही क्वेश्चंस आया हुआ है, डिफाइन माइक्रो टीचिंग, डिस्कस द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन अलोंग विद देयर कंपोनेंट एंड डिटेल्स, इसको डिटेल्स में बताना था। और फिर इसी का हिंदी में आया हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, खोजपूर्ण या अनुशील प्रश्न कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल का साथ साथ उनके घटकों के बारे में भी चर्चा करना है। तो यूनिट 2 के क्वेश्चंस थे, अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 में लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द क्रिएशंस एंड नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन इन डिटेल्स, यानी कि इसी को हिंदी में बात करें तो लिखता है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मानक संदर्भ परीक्षण में निकष संदर्भित परीक्षण को स्पष्ट करना था।